वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा शुक्रवार को पुलिस ऑफिस स्थित अपने कार्यालय में पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुना गया। साथ ही जनपद के समस्त थानों पर होने वाली जनसुनवाई का वीडियो कॉल के माध्यम से निरीक्षण किया गया और फरियादियों से बात करके उनकी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए संबंधित थानाध्यक्ष और थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस संबंध में गौरव पुनी संवाददाता से बात करते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए जैसा कि आप अवगत हैं कि शासन की सबसे उच्च प्राथमिकता जनता की जनसुनवाई है। इसी के क्रम में जनपद गोरखपुर के पुलिस कार्यालय में और सभी थानों पर लगातार जनसुनवाई की कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में सभी थाना प्रभारियों को, सभी राजपत्रित अधिकारियों को पूर्व से ये निर्देश निर्गत किए गए हैं कि प्रातः 10 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक सभी लोग अपने अपने कार्यालय में बैठ करके जो भी प्रार्थी आ रहा है उसकी सुनवाई करेंगे, गुणवत्ता के आधार पर त्वरित कार्रवाई करेंगे और यदि कोई बात गलत पाई जाती है तो उसके बारे में भी उसको सूचित करके उसको संतुष्ट करेंगे। इसी क्रम में आज मेरे द्वारा वीडियो कॉल के माध्यम से सभी थाना प्रभारियों को कॉल करके ये चेक किया गया कि क्या वो थाने पर बैठ के जनसुनवाई कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो जो पब्लिक आई हुई है उसका क्या फीडबैक है। सभी थानों पर जहां पर कॉल किया गया वहां पर थाना प्रभारी अपने अपने कार्यालय में बैठकर जनसुनवाई करते हुए पाए गए। इसमें से कुछ थानों पर पब्लिक से फीडबैक लिया गया तो उनके द्वारा इस बात की संतुष्टि जताई गई कि हमारी सुनवाई यहाँ पर हो रही है। आने वाले दिनों में भी जो हमारे यहाँ पर जनसुनवाई के जो विभिन्न हमारे प्रकोष्ठ यहाँ पर गठित हैं उनकी भी रेगुलर मीटिंग की जा रही है। पब्लिक के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं उसका रिकॉर्ड कीपिंग और उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई, कितने प्रार्थना पत्र आए, इसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। जहाँ जहाँ अच्छा काम हो रहा है उनको प्रोत्साहित किया जाएगा और जहाँ पर जनसुनवाई में किसी के भी द्वारा लापरवाही बरती जाएगी तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की।